62. अस्सलाम वालेकुम. स्टार्ट करते हैं. लेक्चर 62 पहले बोल दिया था ठीक है जी. <coughs> कैसा रहा फिर ये टर्म टेस्ट? ये टेस्ट? सवाल घर पे कर लिया था दोबारा इस सवाल के अंदर हमने क्या कहा हमने अपना बेसिक थीम याद रखा हमने कहा जी एसिड जो आया है ग्रांट उसकी मद में जो आई है जैसे जैसे एसेड डेपिट हो वैसे वैसे ग्रांट इनकम में जाए ठीक है कंडीशंस का मीट होना ग्रांट को इनकम बनाने के लिए रूल है ही नहीं डेफर्ड लाइबिलिटी बनाई है ना लाइबिलिटी इनकम में फेंकने का तरीका एक ही है कि जिस जिस एसिड की मद में वो ग्रांट रिसीव हुई है जैसे जैसे वो डेफिशिएट हो वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट इनकम बने देखे बच्चों ये बैल वाले सवाल में भी हमने ये बात देखी थी कि लैंड मिला था बिल्डिंग बनाने के लिए तो बिल्डिंग जब बन गई तो कंडीशन मीट होकर ग्रांट सारी की सारी इनकम में नहीं डाल दी थी हमने कहा था नहीं उन्होंने लैंड बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है अलॉटेड ऑफ लैंड फेयर वैल्यू सौ के ऊपर रिकॉर्ड किया था याद आ रहा है ठीक है हमने कहा था नहीं जी नहीं बिल्डिंग जैसे जैसे डेफिसिट होगी कंडीशन क्या थी कंडीशन ये थी कि बिल्डिंग बनानी है तो कंडीशन पूरी हो गई तो फिर सारा इनकम बना दें नहीं बेसिक थीम क्या था बिल्डिंग की मद में ही ये ग्रांट है ये लैंड बिल्डिंग के लिए मिला है ना तो बिल्डिंग डेफिसिट हो तो फिर इस ग्रांट को भी इनकम में डालें ठीक है कंडीशन मीट होना ये ये डिसाइडिंग ये ये ट्रांसफर करने के लिए जो है वो रूल नहीं होता ठीक है यहां पे भी ऐसे ही था कंडीशन चार साल की थी डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं वन फोर्थ एक साल गुजर गया है वन फोर्थ पच्चीस परसेंट इनकम बना लो ने कहा ना भाई ना जिस एसेट की माद में आया अगर वो आठ साल में दस साल में इनकम में एक्सपेंस में जाना है तो इस, इन, इस, इस ग्रांट को भी दस साल में हम इनकम बनाएंगे और नीचे एक लाइन भी लिखनी थी क्योंकि एक नंबर उसका भी था उन्होंने कहा था कमेंट करो ठीक है तो एक लाइन यह भी लिखनी थी कि प्रपोज ट्रीटमेंट ऑफ बाय डायरेक्टर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट एज डेफर्ड ग्रांट इज ट्रांसफर टू इनकम ऑन द सेम बेसिस एज रिलेटेड एस इज डेप्रीशिएटेड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मीटिंग कंडीशन ठीक है तो ये एक लाइन अपने अल्फाज में कैसी भी लिख लेनी थी उसका एक नंबर होना था ठीक है बाहर सवाल तो आसान था समझ आ गया था जिसने ये ग्रैब कर लिया था कि जी हमने इसको कंडीशन मीट करते हुए नहीं इनकम आना था एसिड के साथ साथ ठीक है फिर कैशी स्टील सबसे मजबूत और बेमिसाल ये सवाल कितने बच्चों ने घर जाके किया था मैंने कहा था कर लेंगे हो गया था अब पर्चे में क्यों नहीं हुआ था वहां दिमाग काम नहीं तुम्हारा दिमाग वैसे भी काम नहीं करता <laughs> <ये>। <laughs> अच्छा सुनो 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 मेरी बात सुनो सारा सवाल नहीं आया कुछ ना कुछ तो किया होगा कोई आधे बुजादे फिगर तो सही हो गए होंगे अब देखो इसी पर्चे के अंदर ये गवर्नमेंट ग्रांट वाला सवाल था सवाल आसान था अब यहां पे बदकिस्मती वाले क्लिक ना किए और खुशकिस्मती वाले क्लिक कर गए चार नंबर का सवाल तीन मिनट में होने वाला था ठीक है फिर पीपीई का नोट भाई अठारह नंबर में से तेरह चौदह नंबर तो हर एक नहीं ले लिए उन्हें आसान था आईकेफ का पर्चा ऐसा ही होता है भाई ये आईके के पर्चे में से मैंने कहा था आपको रिसेंट टाइम में से मैंने ये सवाल उठाया ठीक है।, है ना तो कितने बच्चों ने इसको घर जाके किया था हुआ सोल्यूशन देखा आईकेफ का डाउनलोड करके कितने परसेंट से करके देखना था ना यार फायदा क्या हुआ अच्छा कितने बच्चों ने एटीन इंटू करके किया था इसको अच्छा ये अच्छे बच्चे पास होने वाले के आद देख लो हाथ देख लो पास होने वाले सबको कहा था ये कल इन टू वन पॉइंट एट करो अच्छा आप सुनो जो सोल्यूशन आपने बनाया था उसको कितने बच्चों ने आई के एफ सोल्यूशन से मैच किया अच्छा आई के की मार्किंग स्कीम भी होती है मार्क्स लगाए मार्क्स लगाए तुमने लगा लेने थे मार्किंग स्कीम भी होती है नहीं थी साथ मार्किंग स्कीम अलग होती है ना नहीं आई की वेबसाइट से क्यों नहीं लिया आपने नहीं सोल्यूशन होना चाहिए सोल्यूशन अब रिजल्ट पिछला गुजर चुका है सोलू अब यार ऐसे नहीं कहते मैं मेरा कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता उसको नहीं पता ना मुझे क्लास के बाद मिलना मैं तुम्हें तो बताऊंगा कैसे हमने डाउनलोड करना है ठीक है मार्किंग स्कीम मार्किंग स्कीम को देख के मार्क्स लगाने थे अट्ठारह में से जब ग्यारह बारह नंबर आने थे आपका दिल इतना बड़ा हो जाना था ठीक है ये ना कहना है बीमारी होंगी सर दिल बड़ा हो जाना ओके अच्छा जी एम सी क्या है जल्दी से इनको देखें सोचता हूं आपसे पहली क्लास में आने से पहले ना आज ये भी करा दूंगा ये भी करा दूंगा ये भी करा दूंगा जब क्लास होती है तो पता नहीं कुछ होता ही नहीं है इसलिए तो कहता हूं कि कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लें साथ साथ हम जी सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन अ प्लांट हैड हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ तीन या तीन, तीन इसका आंसर था पॉइंट सेवन कितने बच्चों का पॉइंट सेवन ही आया था अच्छा कितने बच्चे कहते हैं कि इसमें मसला है ओके एक भी बहुत है तीन चार ने हाथ खड़ा कर दिया सुनो प्लांट हैजमाउंट ऑफ थ्री पॉइंट थ्री एट इकतीस दिसंबर दो हजार इक्की और वोक्सिमेट इंपेयरमेंट लॉस ऑन प्लांटनाइज इन स्टेटमेंट फॉर देंड इकतीस दिसंबर इक्की यानी हमने इकतीस दिसंबर इक्की पे खड़े होकर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है ये बंद तो नहीं हो गया भाई आवाज आ रही है आवाज आ रही है प्रैंक हो गया आपके साथ हाथ हिला दो कैमरे की तरफ देख हाइब्रिड वालो भाई आवाज बंद हो गई अब आने लग गई है अब मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया भाई मैंने कुछ नहीं किया अब फिर आवाज चली गई है फिर प्रैंक हो गया है ओके हाथ हिला दो अब आवाज आ रही है अब भाई तो मैं कुछ नहीं कर रहा है कसमें ओके ऐसे रख लू अब फिर भी आवाज नहीं आ रही अब भाई क्या करें आवाज नहीं जा रही उनको अब जा रही है अब नहीं जा रही इसे करके देखना शुरू कर देना आप वो तो टाइम ही नहीं बचता तो इसलिए मैंने सोचा आज पहले ही कर लो जो टाइम अपने बच्चे का वो पढ़ लेंगे जरूरी बात थी हाँ भाई सही है चलें चलो जाओ फिर चलें जी शुरू करें और रिकॉर्डिंग ऑन है अस्फरल बिल्कुल एक मिनट के लिए भी बंद नहीं किया ड्रामे देख लिए ली फिर जी हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है किस दिन जी एज ऑन एज ऑन 31 दिसंबर 21 ठीक है जी इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए आपको पता है हम बुक वैल्यू निकालते हैं फिर हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं जो कि होती है हायर ऑफ ऑफ भी धरी लिख लो हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज ठीक है ये सारा कुछ वर्किंग में करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू का आंसर सही है वर्किंग नहीं की, साथ वाले का देख के भी लिख लिया है सही है ठीक है और, और आंसर गलत है चाहे वर्किंग देखो वो बेसिकली ना बाउंड नहीं है एग्जामिनर के आपको एक, एम का आंसर गलत हो साथ वर्किंग आपकी तकरीबन सही हो एक छोटी सी गलती हुई पड़ी हो जिसकी वजह से आंसर गलत हुआ हो तो आपने गलत आंसर लिखा हो तो उसको नंबर दे वो बाउंड नहीं है को किसी को तरस आ जाए तो कहे यार सारी वर्किंग सही है बेचारे का ये थोड़ा सा मसला हो गया तो चलो दे देता हूँ वैसे इसकी ये ये मेरे ने मेरा नहीं ख्याल कि उसको नंबर देने चाहिए ठीक है तो मैंने कल आपको बताया था ना किस तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर करना है एम सी क्यू का बताया तो था आपको ये क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर टू है ना आपने ऐसे क्वेश्चन टू में लिखना था वन और उसके आगे यूं लिखना होता है ऑप्शन ऑप्शन सी ऑप्शन सी बस इसके अलावा कुछ भी इसका आंसर नहीं है ठीक है और ये इकट्ठे ही होने चाहिए हाँ पॉइंट सेवन लिखना है तो लिखने जी तो नो no ऑप्शन क्या मतलब जिसका ऑप्शन ही ना हो उसका भी कोई तो ऑप्शन लिखा होगा बेटा जो आंसर निकाला है उसको ऑप्शन ही निकला था मतलब आपका फिर सोल्यूशन गलत होगा हाँ 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 उसमें 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 क्या करेंगे उसमें आपने यूं लिख देना है उसमें आपने लिख देना है रुपीज फाइव थर्टी मिलियन ये समझ आई ठीक है अच्छा सुने अब मेरी बात तो सुनी नहीं आप लोगों ने पूरी ऐसे ही आगे ऑप्शन किसी का ए है किसी का ऑप्शन डी है ये सारे ना इकट्ठे लिखने हैं साफ सुथरे करके सामने सामने ये नहीं कि सी ऑप्शन लिखा और नीचे वर्किंग शुरू कर दी सफा पूरा वर्किंग ही चलती रही अब वो ढूंढ रहा है कोई और भी एमसीक्यू है उसको दूसरा एमसीक्यू ढूंढना पड़ रहा है फिर तीसरा फिर ढूंढना पड़ रहा है फिर वर्किंग में से ढूंढना पड़ रहा है क्या निकाल रहा है ये नहीं भाई साफ सुथरा अलग थलग करके ऐसे आपने एमसीक्यूज लिखने जो वर्किंग अगर आपने करनी है और उसको रेफर करना भी है तो इस तरह से फिर आगे वर्किंग वन वर्किंग टू और वर्किंग फिर इकट्ठी रखें तो पांच एमसी क्यों है तो पांच ही ऑप्शन होने हैं ना पांच लाइनें छोड़ के वर्किंग शुरू कर दो ये बड़ा मसला आया टेस्ट के अंदर जो देखते हैं हम टेस्ट ठीक है बच्चा वो ऑप्शन लिखता है उसके बाद वर्किंग शुरू कर देता है फिर ढूंढते रहो एमसी क्यू एग्जामिनर को सहूलत देनी है जितना हो सके ओके नहीं जरूरी गैर जरूरी है लेकिन कभी कभी आंसर निकालने के लिए वो चाहिए तो होती है ना तो करनी तो पे पेपर पे ही और हाथ पे करोगे क्वेश्चन पेपर पे जरा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कभी कभी वो बोल भी देते हैं आके ठीक yes. है क्वेश्चन पेपर पे तो कुछ नहीं ना लिखना चाहिए तो वर्किंग आपके आपका आपके पास आंसर सीट है सब कुछ करने के लिए तो आपने पांच लाइनें छोड़ के छठी लाइन से वर्किंग शुरू कर देनी है बस ठीक है ड्राफ्ट शीट नहीं मिलती ड्राफ्ट <laughs> <laughs> <द्राफ> शीट ओके <laughs> <द्राफ शीट। laughs> okay. सुने जी सुने सवाल करने में प्लीज़ मैंने अभी दस्तकील वाला सवाल भी सारा डिस्कस करना है और डिस्कलोजर तो आज फिर नहीं हो सके द प्लांट है कैरिंग अमाउंट ऑफ 3.3 मिलियन ऑन मिलियन इकतीस इक्कीस चुप कर जाओ 3.3 अच्छा चूंकि ये एमसी है तो मेरा मशवरा है जरा राउंडिंग से भी परहेज कर लेना ठीक है वैसे इन मिलियन भी लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये वर्किंग है हमारी हमें तो सिर्फ ऑप्शन निकालना है अच्छा उसके बाद कहता है इट्स फेयर वैल्यू इज 2.4 एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर पॉइंट वन टू पॉइंट फोर माइनस पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री आ गया वैल्यू इन यूज निकालने के लिए वो कह रहा है कैश फ्लोज फ्रॉम प्लांट फॉर नेक्स्ट फोर ईयर आर एस्टिमेटेड एट पॉइंट सेवन पर एन एम इनफ्लो या आउटफ्लो उसने कह दिया कैश फ्लोज और लिखा हुआ है पॉजिटिव तो फिर यही अज्यूम करेंगे ये नेट कैश फ्लोज हैं और नेट कैश इनफ्लोज हैं नेट कैश इनफ्लोज हैं ठीक है अच्छा पॉइंट सेवन हो गया और ये पॉइंट सेवन चार साल तक आना है तो पॉइंट सेवन पर एनविटी का फॉर्मूला लग सकता है वन पॉइंट वन माइनस वन पॉइंट वन रेस टू पार माइनस फोर टेन परसेंट था ना रेट ये 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 देखें डिस्काउंट रेट ठीक है तो वन पॉइंट वन रेस टू पार पॉइंट सेवन आना है चार दफा माइनस फोर वन माइनस वन पॉइंट वन रेस टू पार माइनस फोर डिवाइडेड बाय पॉइंट वन ये आ गया हमारा एनवीटी के फॉर्मूला से पॉइंट सेवन की वैल्यू आ जाएगी यहां से ठीक है प्लस 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 चौथे साल के एंड पे इट विल बी डिस्पोज फॉर पॉइंट सिक्स मिलियन ये पॉइंट सिक्स मिलियन जो है ये एक दफा आना है इसको सिंपल डिस्काउंट कर लें चार साल के लिए वापस ले आए ठीक है जी टू पॉइंट सिक्स आ गई वैल्यू इन यूज सिखाया था ना ये काम इसीलिए सिखाया था कि एम सी क्यू उसके अंदर बैठ के फिर साल लगे चार साल बना के फिर कैश फ्लोज नेट करते रहो और फिर उसके ऊपर डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाते रहो टाइम जाया करते रहो नहीं भाई डिस्काउंटिंग पहले दिन ही ये सिखा दिया था आपको ठीक है ना कि सिंपल डिस्काउंटिंग और एनवटी का फॉर्मूला जी टू पॉइंट सिक्स है तो इंपेयरमेंट लॉस पॉइंट सेवन ऑप्शन नंबर सी था ठीक है ओके नेक्स्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल सोर्सेस सी और डी थे क्यों ए में कह रहा है एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो गई डिक्लाइन आ गया है तो ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट लेकिन ये ये हमारे बस से बाहर है ये है एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल नहीं है हमारा क्या कसूर है एसेट की फेयर फेयर वैल्यू वैल्यू बढ़ जाना जाना या कम हो जाना? हमारे काबू में थोड़ा ही है मार्केट फोर्सेज इसको डिटरमिन करती है तो ये इंटरनल सोर्स नहीं है फिर इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या कम हो जाए हमारे बस में तो नहीं है ठीक है फिर एसिड डैमेज हाँ ध्यान से कर लेते हैं फिर एंटीडीज परफॉर्मेंस इज़ वर्स देन एक्सपेक्टेड हाँ भाई ध्यान से आप जो है वो एस्टिमेट लगाते ही आपका अपना कसूर है ठीक है तो दिस इज़ एम्पेयरमेंट इंडिकेटर इंटरनल इंडिकेटर ठीक है जी अच्छा जी रिवर्सल ऑफ एम्पेयरमेंट ना मैंने शाम वाली पोस्ट की क्लास के अंदर शुरू कर दिया था लेकिन वो मज़े का कंक्लूड नहीं हुआ यानी कि एंड पे क्लास एंड हो गया वैसे मैंने देख लूंगा उस वीडियो को दोबारा उस हिस्से को पंद्रह या बीस मिनट लगे थे जो ठीक है तो आपके साथ एक वादा ये भी है कि ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे आती रहेंगी वो तो ऐसे ही आती रहेंगी क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं पढ़ने पढ़ने के साथ रिलेटेड ऐसी बात तो है नहीं एडिशनली होनी है जैसे मैं आई एस छत्तीस के एम सी की डिस्कस करता हूँ पंद्रह बीस मिनट उस पर लगते हैं वो अलग से एक वीडियो वो वो कट करके वो मैं अगले दिन बता दिया करूँगा आपको वो अपलोड हुआ करेगी वो आप सुकून से जब सोने के लिए लेटें मोबाइल ऑन करें यूट्यूब पे अच्छा हाँ ये बस भी कर सकते हैं वो एडिशनल काम ज्यादा बोझ नहीं डालेगा आप पे चलता रहेगा तो मैं देखता हूं अगर आज मैं बात करूं दोबारा शुरू से करूं और वो अच्छे वाली वीडियो बन तोड़ी सी तो वो आपको दे दूंगा। नहीं तो फिर जो कल वाली है उसी को ही दे दूंगा। रिवर्सल हो गई है, अर्ज है। बता रहा हूं जान न छोड़ें अगर मैं भूल भी जाऊं सर रिवर्सल ठीक है इन प्रीवियस क्लास जी ऑन यकम जनवरी उन्नीस आ कंपनी परचेज आ पौधा एन एसिड सॉरी एन एसिड फॉर फाइव मिलियन अगेंस्ट विच रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ पॉइंट फाइव डिडक्टेड ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसिड इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू डेप सच एसिड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर टेन ईयर ऑन यकम जनवरी इक्कीस उन्नीस भी गुजर गया बीस भी गुजर गया ऑन यकम जनवरी इक्कीस गया द गवर्नमेंट ग्रांट बिकेम केम रीपेबल ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन अगर नहीं बोल रहा कि कितनी रीपेमेंट है तो समझो 100 परसेंट रीपेमेंट करनी पड़ेगी ठीक है 100 परसेंट ठीक है अब वो कह रहा है रीपेमेंट वुड रिजल्ट इन रीपेमेंट वुड रिजल्ट इन पहले तो आ, ये डिसाइड कर लें चलो बाद में डिसाइड करते हैं वर्किंग शुरू करते हैं मैं ऐसे जरा वर्किंग शॉर्टकट्स ही बना लेता हूं हमने यकम जनवरी 19 को एक एसिड खरीदा था कितने का पांच का एसिड डेबिट कैश क्रेडिट एसिड डेबिट इधर देख इधर देख एसिड डेबिट वे मुंह देखी जा रहा है उसका एसिड डेबिट कैश क्रेडिट उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई तो कैश डेबिट डेफर्ड लाइबिलिटी क्रेडिट फिर साथ ही हमने एंट्री की डेफर्ड लाइबिलिटी डेबिट एसिड क्रेडिट तो यहीं पे मैंने नेट कर दिया ये सारा कुछ तो एसिड को नेट कर दिया था हमने फोर पॉइंट फाइव पे आ गए ठीक है एसेट को हमने नेट कर दिया था अब इस नेट एसेट को हमने डेप्रीशिएट किया होगा कोई रेजल वैल्यू वगैरह तो है नहीं ठीक है डेप्रीशिएट करना उसने कहा जी स्ट्रेट लाइन पर ओवर टेन इयर्स तो फोर पॉइंट ये कोने पे पहली रो और दूसरी रो बेटा ये इस इधर तक भी लिखा जाए नज़र आ रहा होता है कंफर्टेबली नज़र आ रहा है बेटा सही कम नहीं तो थोड़ा सा ना आप पहली रो को और थोड़ा कम भरा करें जी फोर पॉइंट फाइव फोर डिवाइडेड बाय टेन पॉइंट मत राउंड करना क्योंकि एम है ना ठीक है तो वो पॉइंट्स में आंसर दिया हो तो ये, उस ये ना उस वजह से मैच ना करे बोले 4.05 बुक वैल्यू आ गई फिर इकतीस दिसंबर बीस इधर भी कुछ नहीं हुआ था इक्कीस के पहले दिन गड़बड़ हुई है ठीक है जी वही वाला फार्मूला लिख देता हूँ दोबारा स्ट्रेट लाइन मेथड जो है दोबारा लिखने की भी वैसे ज़रूरत तो नहीं थी पॉइंट फोर फाइव और थ्री पॉइंट सिक्स अच्छा अब रीपेमेंट हो रही है इकतीस दिसंबर बीस ये था ना यही यकम जनवरी इक्कीस भी बनता है इस दिन आकर क्या हो रहा है रीपेमेंट अब याद करो दो तरह की गवर्नमेंट ग्रांट्स थी एक जिसको हम डेफर्ड लाइबिलिटी अलग रखते थे उसकी सूरत में यह होता था कि हम कहते थे जिस दिन रीपेमेंट कैश ने तो क्रेडिट ही होना है कैश तो क्रेडिट होना है कितने से वो अगलों ने आके ले जाना है अब दो मेथड्स होते थे अगर तो हमने डेफर्ड लाइबिलिटी रखा हुआ था तो हम देखते थे कितना अनोटाइज बैलेंस पड़ा है अभी भी लाइबिलिटी में जितना इनकम में चला गया उसको छोड़ो जो बैलेंस शीट में पिछले साल के एंड पे अनोटाइज बैलेंस पड़ा है वो कितना पड़ा है उसको उठा के करते थे डेबिट कैश होता था क्रेडिट मिसाल के तौर पर पॉइंट फाइव से और लाइबिलिटी से इनकम बन चुका होता मिसाल के तौर पर पॉइंट टू मिसाल के तौर तो पर ठीक है तो वो पॉइंट टू निकल चुका था पॉइंट थ्री डेफर्ड लाइबिलिटी में डेबिट और वो गवर्नमेंट फोर फीट एक्सपेंस के नाम से एक फिगर एक डेबिट हो जाती थी ठीक है लेकिन हमारा ये केस डिफरेंट है इसमें हमने एसिड की कॉस्ट को ही नेट किया हुआ था गवर्नमेंट ग्रांट से तो जब इसकी रीपेमेंट होती थी तो आपको सिखाया था कि जैसे इधर देखो जैसे 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 ये क्या किया था ये क्या एंट्री हुई थी ये एंट्री डिफरेंट कलर से जैसे 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 इसको नेट करते हुए एंट्री की थी बोलो बोलो डेफर्ड ग्रांट डेबिट कहानी खत्म पॉइंट फाइव से और एसेट क्रेडिट अब देखो ये तो कहानी खत्म हो गई थी ना एक चीज क्रेडिट हुई थी वो डेबिट होकर खत्म हो गई अब इसको दोबारा थोड़ी रिकॉर्ड करना है अगलों ने पैसे वापस ले लिए हैं ग्रांट की कहानी खत्म ठीक है ना तो वो जो क्रेडिट होकर डेबिट हो गया था वो तो पहले खत्म हो गया था आज जब ये पॉइंट फाइव पे किया है ठीक है आज जब ये पॉइंट फाइव पे किया है, है तो कैश क्या हो रहा है पॉइंट फाइव से क्रेडिट गवर्नमेंट ने पैसे लिए है ना आपसे आकर अब क्या कह रहा हूं मैं जी जब एसिड ग्रांट के आने पर नेट किया था तो उसे क्रेडिट किया था तो आज फिर इस ग्रांट के पे रीपे होने पर इसको वापस क्या कर दो डेबिट ठीक हो गया लेकिन साथ ही हमने ये कहा था एसिड बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया एसिड बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बोलो हाँ तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाना पड़ेगा याद आ रही है बात आपको कहा था ये से जो एसेट क्रेडिट हो गया था इसका मतलब उन्नीस और बीस के दो साल में ये पॉइंट फाइव पर डेप्रिसिएशन चार्ज होने से रह गई थी क्योंकि एसेट इसको जो कर दिया था एसेट जो कम कर दिया था तो वो दो साल की डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट हम पहले ही दिन खड़े होकर ये एंट्री किस दिन हो रही है यहम जनवरी इक्कीस पर ये एंट्री हुई है और इसी दिन खड़े होकर आप याद करो वो वाली एग्जाम्पल इसी दिन खड़े होकर

अच्छा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट होने का मतलब अल्टीमेटली एसिड क्रेडिट होना भी तो होता है नहीं एसिड क्रेडिट कर लो या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर लो कोई फर्क है बोलो कोई फर्क नहीं है ठीक है बस ये वर्किंग क्या सिखाई थी मैंने कहा था ये पॉइंट फाइव को पकड़ो और इसको डिवाइड कर दो दस से याद आ रहा है तो कितने साल कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो दो साल तो इंटू टू कर दो आंसर इज तो पॉइंट वन और पॉइंट वन अब मुझे बताओ रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेना रिक्वायरमेंट क्या है रिक्वायरमेंट क्या थी वो कहता है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कैरिंग वैल्यू बाय पॉइंट फाइव देखो एसेट बढ़ा भी है पॉइंट फाइव से एसेट कम भी हुआ है पॉइंट वन से कैरिंग अमाउंट पूछा है उसने कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू का मतलब क्या है एसेट अकाउंट के अंदर इसी दिन खड़े होकर पॉइंट फाइव एड बैक हुआ है और इसी दिन खड़े होकर पॉइंट वन माइनस भी तो हुआ है डेप्रीशिएट भी तो हमने किया था याद करें वो अपना पहला दिन वाला सवाल रीपेमेंट वाला ओपन करके देख लें बेशक उसके अंदर यही एंट्री हुई थी पहली एंट्री पहली एंट्री कैश क्रेडिट हुआ तो एसेट को वापस डेबिट करो उसी दिन खड़े होकर कहा था ये जितने से एसेड बढ़ाए इतने पे पिछले दो तीन चार साल जितने साल से चला आ रहा था डेप्शन कम हुई थी तो मैंने कहा था यूसल ऐसे डिवाइड करके जितने साल गुजरे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो और एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट करके अक्यूमोलेटेड एप्शन या एसेट क्रेडिट कर दो तो नेट में रीपेमेंट की वजह से इस दिन नेट में इंपैक्ट पॉइंट का पड़ा एसेट की कैरिंग वैल्यू ठीक है और ऐसी कैरिंग वैल्यू पॉइंट से नेट में बढ़ गई है तो इसलिए कैरिंग वैल्यू पॉइंट फाइव से नहीं बढ़ी कैरिंग वैल्यू पॉइंट फोर से बढ़ी है ये बी ऑप्शन सही हो गया ठीक है अगली बात आप कहोगे जी एक्सपेंस की बात नहीं की आपने मैंने कहा यार क्या एक्सपेंस पॉइंट फोर से बढ़ा है अल्लाह के बंदो एक्सपेंस तो फोर फीट एक्सपेंस तो आता ही था जब डेफर्ड लाइबिलिटी बनाई होता था, होता था ग्रांट को हमने एसेट में से नेट नहीं किया होता था ठीक है ना एक्सपेंस का जितना इंपैक्ट है इस पूरी रीपेमेंट के अंदर वो सिर्फ पॉइंट वन का पॉइंट वन से एक्सपेंस बढ़ा है इस रीपेमेंट के दिन वो क्या कह रहा है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग अब रीपेमेंट ऑफ ग्रांट की वजह से या तो अगली डेप्रिसिएशन बदल सकती है ठीक है या ये डेप्रिसिएशन बदली है एक्सपेंस के ऊपर तो इंपैक्ट यही है बाकी तो सारा इंपैक्ट एसेट पे था ये कैश भी एसेट है इसको साइड पे कर दो ये एसेट ये एसेट ठीक है ना तो पॉइंट वन कहीं पे लिखा हुआ है पॉइंट वन था ही नहीं ठीक है ना तो फिर पॉइंट फाइव से या पॉइंट फोर से एक्सपेंस तो हिट ही नहीं हुआ ये ये कौन कंफ्यूज करता जो ये कहते कि हम एसिड को बढ़ाते ही नहीं है जी ये फीट एक्सपेंस पॉइंट फाइव से फोर फीट एक्सपेंस डेबिट हो गया वो तो फिर पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पे पहुंच रहे होते कहीं ठीक है ना तो expense तो भाई एक्सपेंस सिर्फ point one से ही बढ़ा है इस दिन खड़े होकर पॉइंट वन का तो ऑप्शन ही नहीं है तो सही ऑप्शन ही क्या था एसिड की कैरिंग वैल्यू कंफ्यूज करके पॉइंट फाइव कुछ बच्चे लिख गए होंगे लेकिन दरअसल पूरी कहानी है रीपेमेंट के दिन ही ये एसेट बढ़ा और पिछले दो साल जो डेप्शन कम हुई थी वो डेप्शन चार्ज होने से एसेट इतने से कम भी किया हमने तो बुक वैल्यू नेट में पॉइंट फोर से ही कम हुई है और बड़ी है ठीक है और सही है ए ऑप्शन क्यों सही था उसने कहा प्रेजेंटिंग होल ग्रांट एस अदर इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और डिडक्टिंग इट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इज करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसिड ग्रांट रिलेटेड टू एसिड का ट्रीटमेंट ये था अलग से लाइबिलिटी बनाओ अलग से एसेट रखो और इनकम में लेकर आओ थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस से नेट करने का वास्ता ताल्लुक तो कोई है ही नहीं एसिड रिलेटेड ग्रांट का एक, देखो ये जो ऑप्शन था कि प्रॉफिट एंड लॉस के फेस के ऊपर आपने या तो इनकम अलग रखनी है या उसको रिलेटेड एक्सपेंस से नेट कर दो ये तो ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस के साथ ही मामला था ना एसेट रिलेटेड ग्रांट का प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या तो नजर आना होता था या नजर नहीं आना होता था एक्सपेंस में से नेट होने का तो ताल्लुक नहीं था ना और बोलो ऐड रिलेटेड ग्रांट को लाइबिलिटी बनाओ आहिस्ता आहिस्ता ग्रांट इनकम बनाते जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में या तो ग्रांट इनकम नजर आ रही है दूसरा ऑप्शन क्या था एसिड रिलेटेड ग्रांट को की कॉस्ट में से बुक वैल्यू में से नेट कर लो और नेट एसिड को डेप्रिशिएट करके सिर्फ डेपन एक्सपेंस लेकर जाते जाओ ग्रांट का नामो निशानी कोई नहीं ये एसेट रिलेटेड ग्रांट थी एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट में हमने कहा था लाइबिलिटी बनाओ और आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाओ या तो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे उसे अलग से इनकम शो करो या उसको प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे नेट कर दो रिलेटेड एक्सपेंस से तो ये ऑप्शन किसके लिए था ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस जिसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड ने जिन्होंने मैंने होमवर्क दिया था ना कि पढ़ लेना एक नजर पढ़ा होगा अगर नोट्स को तो उसमें लिखा भी होता ग्रांट रिलेटेड ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस को ग्रांट रिलेटेड टू इनकम भी कहते हैं यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाने वाली जो फिगर होती है कि एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस और इनकम ही जाते हैं ठीक है तो एसेट हो नहीं सकता था फिर फॉर गिवेबल लोन नहीं भाई फॉर गिवेबल लोन तो आप जिस दिन आता है उसी दिन इनकम बनाते हैं वो तो ना कोई रिलेटेड एक्सपेंस होता है उसका ना ही कोई और चक्कर होता है वो तो इनकम बन जाता है जिस दिन आपने फॉर गिव हो जाता है असिस्टेंस तो कोई ग्रांट है ही नहीं इसकी तो कोई वो तो मशवरे दिए थे गवर्नमेंट ने आके मशवरे दिए थे तो हमने कहा था इसको सिर्फ डिस्कलोज करना है इसकी तो कोई चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाती ही नहीं है असिस्टेंस की तो ले दे के यही रह जाता था ग्रांट रिलेटेड टू इनकम ठीक है छड़ दो जानता दस तक लिमिटेड ओए मंडे तुम जाओ ट्यूसडे तुम आओ जी बच्चों कितने बच्चों ने ये वाला अटेम्प्ट हुआ है माशाल्लाह हाइब्रिड वालों ने पढ़ना छोड़ा हुआ है कितने बच्चों ऊंचा हाथ खड़ा कर नजर नहीं आ रहा मुझे अब हाथ खड़ा कर दिया ये पहली रो दूसरी रो ये दूसरी रो में जो लड़का बैठा हुआ है किया हुआ है बस हाथ खड़ा कर दिया चेक करने के लिए भेजू होमवर्क अब? अब, अब अब सर नीचे कर लिया तुमने इकतीस दिसंबर एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे तो ये देखें हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं है हमारे सिलेबस में जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हमने बेसिक में बनाई थी ना वो वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं है हमारे सिलेबस में ठीक है लेकिन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वो सिखाई उस वक्त क्यों थी ताकि हर टॉपिक में आपको जो टॉपिक भी करें एक्सट्रैक्ट्स बनाएं और हम करते भी ऐसे ही आए हैं हमने आइए एस सोलह किया उसके एक्सट्रैक्ट बनाने सीखे फिर नोट बनाकर बैलेंस शीट तक पहुंचाया इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचाया चीजों को उसके बाद हमने एक टॉपिक किया अलेवन नहीं आई एस छत्तीस किया उसके अंदर भी एक्सट्रैक्ट इनकम स्टेटमेंट में ये जाना है बैलेंस शीट में ये जाना है फिर हमने आई एस ट्वेंटी थ्री शुरू करने से पहले अप्रूवल पे तीन चार दिन लगा दिए एक में भी हमने देखा इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है बैलेंस शीट में क्या जाना है फिर आप बाहर बोरिंग कॉज शुरू किया इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है बैलेंस शीट में क्या जाना है हमारी कहानी यही चल रही है गवर्नमेंट ग्रांट में आए इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है बैलेंस शीट में क्या जाना है ठीक है अब आई फोर्टी खत्म किया अभी हमने ठीक है डिस्कलोजर्स पढ़ने हैं अभी उसके और थेरी दिखानी है आपको कि बाकी सारा कुछ आता है बहरहाल डिस्कलोजर्स पढ़ लेंगे कोई मसला नहीं है नोट बना हुआ है किसी वक्त पांच मिनट का काम है उसमें भी हमने क्या देखा इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है बैलेंस शीट में क्या जाना है तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट फुल फ्लैच अगर वो नहीं भी बनानी ना तो हर टॉपिक के अंदर वो ये काम कर सकता है ये तीन टॉपिक तो यहां पे डाल दिए थे इस सवाल में आईएस ट्वेंटी आई एस फोर्टी आई एस सिक्सटीन बनाओ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट उसने कहा अब पूरी नहीं बनानी थी ट्रायल से बनाने थे तो तो बनाने थे, थे ना भाई ठीक है तो बनाने थे ये वाला सवाल थोड़ा एक पहले भी किया कौन सा किया था ये बैल वाला भी किया मेरे ख्याल हाँ। में दो चार दिन पहले उसमें भी क्या उसने मांगा था बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या जाना तो पता होना चाहिए पूरा होना चाहिए हर टॉपिक में से कौन सी चीज इनकम स्टेटमेंट जानी कौन सी बैलेंस शीट में ठीक है रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट बना दें डीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम एंड फाइनेंशियल पोजिशन अच्छा अब ये थोड़ी सी बात ना मैंने उधार करनी है आप लोगों के साथ ठीक है वो उधार क्यों करनी है बस कुछ मजबूरियां होती हैं इंसान की मेरी भी कुछ मजबूरियां इस वक्त ठीक है जी मैं उधार करूंगा और उधार एक जंग है जो के बंद है चुप कर जाओ देखें जी असल कहानी तो ये है कि सुने स्टेटमेंट ऑफ कंपरीहेंसिव इनकम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट का नया नाम ना ठीक है इसके अंदर ना दर असल तो दो हिस्से हैं इसके एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी होती है अदर कंपरीहेंसिव इनकम ठीक है मैं बताऊंगा ना आपको कुछ दिन में पांच अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम अच्छा देखें उधार क्यों कर रहा हूं मैं मैं यहां पर इसके ऊपर आधा घंटा लगा सकता था बच्चों के साथ आज एक एक एंट्री सिर्फ समझाने के लिए लेकिन मसला ये होना था कि इसने आगे कहीं जाना नहीं था ये बात कंक्लूड नहीं होनी थी वैसे तो मैंने आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीसिव इनकम बनानी है टू में जाके लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाया जरूर करता हूं इसका फॉर्मेट और इसकी सारी साइंस लॉजिक सारा कुछ कॉन्सेप्ट देता हूं उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी का टॉपिक आपको करवाना है ठीक है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक करने के लिए ये का नॉलेज पूरा होना जरूरी है ठीक है लेकिन उसके लिए जरूरी यही है कि मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी कल पढ़ा रहा हूं तो मैं आज वो बताऊं लेकिन अभी बीच में एक करेक्शन ऑफ एयर का टॉपिक हमारा अगला एक हफ्ता पूरा उस पर लग जाना ये मेरी सोच है एक हफ्ता लग जाना है बाकी आप लोगों का मुझे पता ही है कुछ भी कर देते हैं वो आठ दिन लगा दें दस लगा दें मेरे मेरे हिसाब से तो छः दिन का वो काम है छः दिन से सात दिन लग दें ठीक है अब वो करते ही हमने मूव करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है या आगे स्टेटमेंट ऑफ या आगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला आई एस एट है या उससे आगे आई एस सेवन है या उससे आगे एनपीओ है तो उसमें ये रेक्टिफिकेशन ने साथ साथ चलना है रेक्टिफिकेशन खुद भी इस दफा भी पेपर के अंदर रिसेंट के अंदर सात आठ नंबर का सवाल आया हुआ था करेक्शन ऑफ एरर का पिछली दफा तो इंक्लूड किया उसने पहले इंट्रो में होता था तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे यूज भी है तो हर टॉपिक वो जो आगे यूज होना है यहां पर उस पर मेहनत करते जा रहे हैं देखिए हमारा वो वक्त शुरू हो चुका है जिसमें वो कहते नहीं है मेहनत कम वो क्या वो क्या हिंग लगे ना फटकड़ी रंग भी आया चोखा वो वाला दिन शुरू हो गए हैं मेहनत कम वक्त कम नंबर ज्यादा वाला काम हमने ये खप खप के तकरीबन को पैंतालीस एक नंबर तैयार किए हैं ठीक है लेकिन ये पैंतालीस नंबर जो है चालीस को तो वैसे इस ग्रिड को कहता है ना चालीस उसके बाद ये मैंने पांच डाले दस भी हो जाते हैं आई एस सोलह ने गवर्नमेंट ग्रांड ने हर टॉपिक के अंदर आगे भी पहुंचे होना होता है तो उन टॉपिक्स के अंदर सिर्फ अब उन टॉपिक्स की साइंस सीखनी होगी मुझे रीवेल्यूशन नहीं सिखानी पड़ेगी जाके आई एस वन के स्टेटमेंट चनीकुटी सिखाते हैं उसके अंदर रीवेल्यूशन ने भी आना है रीवेशन मैंने सिर्फ ये सिखाना है आपको रीवेल्यूशन नहीं सिखानी पड़ेगी ठीक है आई एस के अंदर जाके मुझे रीवेल्यून सिखानी पड़ेगी मुझे करेक्शन वगैरह नहीं सिखाना पड़ेगा टॉपिक ये होते हैं कैशलो में जाके मुझे रीवेल्यूशन नहीं सिखानी पड़ेगी मुझे ऑफ शेयर कैपिटल नहीं आई एस वन में के जाऊंगा राइट इशू ये होता है प्रीमियम ये होता है बोन तो हर चीज हर मौके पर आएगी और फिर उससे आगे एड होती जाएगी ठीक है ना तो पेपर तक फिर आप पूरा पैकेज बन चुके होते हैं अभी आप पूरा पैकेज नहीं है ठीक है तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ओसीआई जो है इसको इनशाला जब मैं आपको जिस दिन पढ़ाऊंगा ना तो उस दिन मैं यूं कहूंगा ये भी कह रहा हूं ताकि उस दिन कहूं याद है ये कहा था इसको कहा जाता है इन साइड प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है और ओसीआई को कहा जाता है आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस लेकिन फिलहाल इस बात को हम नहीं कर रहे ठीक है जरा पॉज कीजिएगा भाई अच्छा जी तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम अदर कम्प्रीहसिव इनकम का कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगा इन एक हफ्ते दस दिन तक इनशाला आपके पास होगा आपके पॉकेट में होगा लेकिन आज इस सवाल में जो फिगर्स आनी है वो मैं लिखूंगा ज़रूर उनको एन सर्कल करके पेंडिंग करूंगा इनशाला जब वो समझेंगे तो फिर हमें क्लैरिटी आ जाएगी ठीक है नहीं जी वन बाय वन शुरू करते हैं वैसे हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोलिश अच्छा उसने 19 और 20 दोनों साल की मांगी हुई है ना देखें देखें उसने कहा था 31 नंबर 19 के एक्सट्रैक्ट बनाओ और शो कंपैरेटिव फिगर्स भी ठीक है ना तो 18 और 19 दोनों साल के ठीक है ये बहुत ऊपर नहीं चले गए हम चलो ठीक है जी तो फॉर द ईयर एंडेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्री इनकम बना करती है जी फॉर द ईयर एंडेड इनकम स्टेटमेंट जो हुई आपके नज़रों में अभी तक ठीक है तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 और 31 दिसंबर 18 पता है आपको अभी आज की क्लास के एंड तक क्या लगेगा कि हमने अच्छा जी अच्छा हमने हमने अपना जितना भी पढ़ा हुआ था वो दो दिन में रिवाइज किया कल मैंने बोरिंग कॉस्ट और इम्पेयरमेंट भी आ रहा था इम्पेयरमेंट का सवाल भी किया रिवाइज किया हमने और आज हमने आइए 16, सिक्सटीन फोर्टी और ट्वेंटी रिवाइज़ कर लेना तो ये बंज ही है इसी तरह से इसको ऐसे ही संभाल के रखना जी संभाल के रखा हुआ सर समझा नहीं है ऐसा भी नहीं करना ठीक है अच्छा जी चलें शुरू करते हैं सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है जी आपके सामने सबसे पहले क्या चीज आ रही है किताबों में सवाल मौजूद है खुदारा खोल लीजिए उसको सबसे पहले एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल है डीएल परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स फॉर 370 ऑन यकम जुलाई 17 व्हीकल्स हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 30 द री वैल्यूड अमाउंट ऑन इकतीस दिसंबर अठारह ऑन इकतीस दिसंबर अठारह इज तीन एंड ऑन इकतीस दिसंबर उन्नीस इज दो ठीक हो गया जी अब री मॉडल वाली वर्किंग करो वर्किंग कर लोगे तो सारा कुछ इंशाल्लाह पहुंच जाएगा यहां पे एक्सट्रैक्ट्स में ठीक है तो एक मिनट का काम है जी वर्किंग नंबर वन डेट डेस्क्रिप्शन देखो जी नोट तो बनाना ही नहीं नोट बना आया कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट पढ़ना आ, जी स्पेशलाइज व्हीकल रिवेल्युएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है जी अब इधर देखें प्लीज किस दिन खरीदा था हमने इसको बेटा ये पहले दो रोज के मुझे टेंशन रहती यहां तक लिखा हुआ नजर आ रहा है बस ठीक है इन लोगों के तो मौजें लगी हैं जब से ये मेरी तबीयत खराब हुई बैठ गए हैं सामने अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वहां पे वापस अच्छा जी यकम जुलाई 2000 सर खुद देख लेना सर खुद देख ले खुद आप सत्रह कॉस्ट कितनी है थ्री सेवेंटी एंड 31 इकतीस दिसंबर है इकतीस दिसंबर सत्रह पर डेप्रिसन करनी है तो भूल मत जाना तीन सौ सत्तर में से तीस माइनस करना था और लाइफ है लेकिन पूरा साल नहीं छः बटा बारह जी बोलें ये सारी बातें समझ आई हैं किसी बात का इनमें से किसी बात का किसी को नहीं पता लगा तो वो किसी मुझसे पूछ ले थ्री फिफ्टी थ्री ठीक है जी उसके बाद इकतीस दिसंबर अठारह क्योंकि डेप्रीशियेट कब हो रहा है इकतीस नंबर अठारह पे तो पहले अठारह पर लेकर आएंगे ठीक है सही है तो रीवैल्यू होना है तो पहले डेप्रिशिएट करेंगे तो ना मेरे दोस्त इस वक्त ये एसेट पड़ा है इकतीस दिसंबर सत्रह जनवरी अठारह पे मैं ये कह रहा हूं पहले इसको लाओ तो सही इकतीस अठारह पे लाने के लिए पहले डेप्रीशियट करोगे सुन लो प्लीज स्ट्रेट लाइन मेथड है तो थ्री सेवनटी माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय बस अब फ्रैक्शन नहीं लग ठीक है जी अब बुक वैल्यू आ गई थ्री वन नाइन अब इसको आप करो कंपेयर रिवैल्यूड अमाउंट से तो एक लाइन खाली छोड़ी आपने और रिवैल्यूड अमाउंट लिख ली कितनी है जी तीन सौ दो तो पहले ही दफा लॉस आ गया सत्रह का रीवैल्यूएशन लॉस आ गया ठीक है जी सीधा ही बारो बार प्रॉफिट एंड लॉस में नैरो नैर ठोकर अच्छा जी अब 31 दिसंबर उन्नीस पर फिर रीवैल्यूएशन है लेकिन पहले लेकर आओ इसको डेप्रीशिएट करोगे अब डेप्रीसी के लिए मैं कहता हूँ उन्नीस छुपा दिया करो कन्फ्यूज ना हो अब तीन सौ दो ने डेप्रीशिएट होना है और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है आपने इकतीस दिसंबर अठारह पे खड़े होकर यकम जुलाई सत्रह से इकतीस दिसंबर सत्रह तक 6 महीने इकतीसबर अठारह तक पूरा साल तो ये हो गया डेढ़ साल लाइफ थी दस निकल गई डेढ़ तो रह गई साढ़े आठ तो एट पॉइंट फाइव सही है लेकिन माइनस थर्टी जरूर करना अगर बुक वै, रेजल वैल्यू रिवाइज हो जाती तो हम रिवाइज वाली लेते रिवाइज नहीं हो रही तो जो ओल्ड है फिर वो है सवाल खामोश हो तो यही सिखाया हुआ था 32. कितना जी थर्टी टू की डेप्रीसिएशन है और नशर भी कर दो एट पॉइंट फाइव जी प्लस टू ठीक है जी तो टू सेवनटी और फिफ्टीन इसको फिर रिवैल्यू कर लें आप ये इकतीस दिसंबर उन्नीस की डेपी थी तो बुक वैल्यू इकतीस दिसंबर उन्नीस पर अब पहुंच चुकी है ठीक है तो अब एक लाइन फिर मजीद छोड़ेंगे और फिर करेंगे इसको रिवैल्यू तो इतना आसान आसान काम होता है सिर्फ कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपको ठीक है जी रीवैल्यूड uh, अमाउंट बताएंगे टू नाइन्टी तो बीस रुपए का आ गया रीवेल्युएशन सरप्लस इसने पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाकर मेरे पे गौर करना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाकर इस लॉस को रिवर्स करना है और पांच का सरप्लस जो अभी भी सरप्लस बच गया वो आ जाएगा रीवेल्युएशन सरप्लस यहाँ पे सवाल को क्लोज करना है हमने क्योंकि 19 पर ही हैं हम अब 19 की डेप्रिसिएशन तो नहीं ना आनी अब मेरा सवाल अगर आपको कुछ याद हो ना तो मैंने आपको एम करवाते हुए ये बात सिखाई थी एक एम सी क्यू लिख कर ना मैंने आपको तीन चार चीज़ें उसमें से बताई थी मैं फिलहाल बात करता हूँ जी कि हमारा रेलिवेंट साल जो है वो दो है समझो थोड़ी देर के लिए ठीक है तो ये येलो ठीक है ना यही उन्नीस का साल है ना yes, मुझे उन्नीस और अठारह दोनों चाहिए लेकिन मैं जरा फिलहाल उन्नीस से चलाता हूं बात को ठीक है तो वो पिछला इकतीस दिसंबर 18 है वो पिछले साल का एंड है उसको छोड़ो हम फिलहाल सिर्फ उन्नीस को सोच रहे हैं मुझे बताओ इस इस येलो डिब्बे को देखकर मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में स्पेशलाइज्ड व्हीकल पीपीई होता है ना yes, वो कितने पर नजर आएगा इतना शक से बोलना तो मुझे अच्छा नहीं लगा आपको चाहिए था आप बोलते 200 क्यों 31 नंबर 19 पर रीवैल्यू होकर ये 200 पर ही तो आ ये 290 पर ही तो आ गया ठीक है तो ये 290 सौ नब्बे कहाँ जाना है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसिट्स में ठीक है ये कहाँ चला जाएगा जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बल्कि यूँ लिखें ये जाएगा जी नॉन करंट एसिट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ठीक है जी ऐसे भी ना लिखें, बल्कि ऐसे लिख दें और मेरा अगला सवाल बैलेंस शीट में कुछ और भी जाएगा इधर बैलेंस शीट में कुछ और भी जाएगा आप बताएं रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां नजर आता था इक्विटी में शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम आने पढ़ लेंगे रिटेन अर्निंग्स और साथ ही रीवैल्यूएशन सरप्लस तो रीवैल्यूशन सरप्लस भी साल के एंड पे पांच आया जिसकी एंट्री हुई है एसेट डेबिट रीवैल्यूशन सरप्लस क्रेडिट और मेरे मजीद कुछ ट्रांसफर ट्रूसफर नहीं हुआ तो क्लोजिंग डेट पर भी यही पड़ा होगा तो अगले साल ट्रांसफर की एंट्री आनी है ना ठीक है तो ये पांच रुपए जी ये कहा नजर आएंगे इक्विटी में कहा नजर आएंगे जी इक्विटी में रीवैल्यूएशन सरप्लस ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको अब बैलेंस शीट के अंदर जो मर्जी एंट्रियां कर लो ये दो चीजें ही एंड पर नजर आनी है आपको नहीं जी नहीं हम तो चलेंगे 302 से चलो भाई 302 से 302 से डेपरिशन करो 32 की बुक वैल्यू पे आए अब फिर ट्रांसफर की एंट्री करो 32 को ट्रांसफर किया आपने फिर रिवेल्यूशन सरप्लस या लॉस की एंट्री करो वो एंट्री कर लोगे आप सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली दो और नब्बे पे पहुंचोगे आजमा के देख लेना लेजर्स बना लो ठीक है ना तो ये शॉर्टकट बताया आपको इसका मतलब ये हुआ ये सबसे पहली चीज जो है हमारी अच्छा और 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 भी आपको पता है एक चीज यहां से येलो के अंदर से बैलेंस शीट तो हो गई इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है कितनी डेप्रिसिएशन ये कहा जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में ठीक है और 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 कुछ और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में और कुछ जा रहा हो प्रॉफिट एंड लॉस में और कुछ और यस इसकी तो हम एंट्री करते ही नहीं थे बच्चों ये तो कहीं नजर नहीं आता था आपको इसको तो छोड़ो ये जो इस साल के एंड पर पंद्रह की एंट्री हुई है से। इस दो की एंट्री हम करते नहीं थे। याद करो सारी बातें पड़ी हुई हैं ठीक है मेहनतें की हुई अब काम आ रही हैं ठीक है थीके? अब इसके ऊपर तो नहीं खपना पड़ रहा ना आपको तो थोड़ा ध्यान तो दिया करो फिर बीस रिवर्स हो रही पहले बत्तीस से अक्यूमूल एडपन डेबिट एसिड क्रेडिट फिर एसेट डेबिट बीस सरप्लस क्रेडिट पांच इवन सरप्लस क्रेडिट पांच और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट पंद्रह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है गेंद से इनकम से ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ जो चीज मैंने पेंडिंग करनी है ना ठीक है वो पेंडिंग वाली चीज सिर्फ ये है लिख आज भी दूंगा कि इसने जाना है ओसीआई में क्यों जाना है ओसीआई क्या होता है ये बातें इंशाला आवाज आ रही है ना हाइब्रेड वालो ये बातें इंशाल्लाह वक्त आने पर आपको पता लगेंगी लिख दूंगा जब 10 दिन बाद ये कॉन्सेप्ट दूंगा तो आप जस्ट इसको मैं भी ओपन करके ये दिखाऊंगा आप कोगे नहीं जी इसको तो छोड़ें आप इससे बहुत आगे हम निकल गए एक सवाल को पकड़ेंगे उसको तीन चार दफा रिवैल्यू कर लेंगे कभी गेन लाएंगे कभी लॉस लाएंगे गेन पे गेन लाएंगे लॉस पे गेन गेन पे लॉस सब कुछ करके उस सवाल में देख लेंगे और उसके एक्सट्रैक्ट बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे चेंज इन इक्विटी अदर कंपनिया इनकम बनाएंगे चेंज इन इक्विटी बना देंगे तो इनशाला वो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा ना पूरा तो उसका इंतजार है मुझे कि इक्विटी के टॉपिक पे पहुंच जाए बेटा बैलेंस को इक्विटी में लेकर जाना है पांच को छोड़ो पांच कहां जाना है ये समझो यहां पे लिखा ही नहीं हुआ ये है ही नहीं समझो ये ओसीआई नहीं लिखा हुआ ठीक है ना जो मैंने यहां पर लिखना है क्योंकि मैंने सवाल तो पूरा करना है ना आज तो वो लिखने है मैं पेंडिंग करूंगा उसके ऊपर लिखूंगा भी सही बड़ा बड़ा पेंडिंग जी चलो जी काम हो गया हमारा इतना सा तो सवाल था दो सौ नब्बे नजर आएगा दो ये देखो ये देखो ये येलो आपके सामने है और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस एंड लॉस में जाएंगे और यहां पर स्पेशलाइज वहीकल की जी अच्छा जी लिखवा दें कितनी लिखेंगे, जी आप? कितनी लिखेंगे आप सर हम बत्तीस लिखेंगे अच्छा भाई लिख लो बत्तीस और कुछ सर हम तो ये पंद्रह का गेन भी लिखेंगे आप रीवेल्यूशन लॉस को लेकर आते होते हैं यहां पे मैं कहा लेके आता होता हूं तो आज कोई बात नहीं आप रीवेल्यूशन गेन को ले आए ये रिवेल्यूशन गेन मैं आपकी आसानी के लिए लिखता हूं ताकि आपको समझ आए परचे में लिख दो कोई मसला नहीं है लेकिन कॉन्सेप्टी बात गलत ना हो जेन में कॉन्सेप्ट है आपको कि ये रीवेल्यूशन गेन नहीं है दरअसल ये प्रीवियसली बुकड लॉस का ही रिवर्सल हो रहा है लेकिन गेन बोल दिया करो ताकि मसला ना हो गलती ना हो लिख भी दोगे तो दो कोई मसला नहीं है आ, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट गलत नहीं कर लेना कि रीवैल्यूएशन के ऊपर फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड नहीं कर रहे जो तो पिछला लॉस रिकॉर्ड के जस्ट उसको रिवर्स कर रहे हैं ठीक है ना लिखो गेन बेशक लिखना गेन ही है कोई मसला नहीं तो रीवैल्यूएशन हम लिख लेते हैं यूं अगर रीवैल्यूएशन गेन होगा तो पॉजिटिव लिख लेंगे यहां पर एक ही लाइन लाइन बचा लेते हैं ना और अगर लॉस होगा तो नेगेटिव अब मुझे बताओ 19 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा होगा तो ये गेन है क्रेडिट हो रहा होगा तो ये लॉस या वर्किंग समझो तो प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में लिखा हुआ आ रहा होगा तो ये लॉस है और अगर प्लस में लिखा हुआ होगा तो ये गेन है ठीक है तो क्या आ रहा है अभी एंट्री बोली है गेन आ रहा है अभी एंट्री बोली है एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है ये गेन है पॉजिटिव कितना पंद्रह ठीक हो गया उसके बाद मैं छोड़ता हूं उस पांच को बाद में लिख लेंगे वो हमारी डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है अगर ये बात ना भी पता हो तो अठारह में से सोलह फिर भी आ जाएंगे मजे की बात यह है ठीक है आवाज आ रही है ओके जी नॉन करंट एसेट्स में पीपीई नजर आएगा पीपीई का नाम लिख दो स्पेशलाइज्ड व्हीकल कितने पर नजर आएगा देखो भाई आप जितनी मर्जी दौड़े लगा लो लेजर बनाओ एंट्रिया करो दो सौ नब्बे पे ही पहुंचना है आपने मजे की बात यह है तो भाई ये तो जिंदगी सुकून में उसने वर्किंग कही नहीं लेजर कहे नहीं उसने कहा बैलेंस शीट के अंदर क्या जाएगा हमने कहा दो सौ नब्बे जाएगा गल खत्म ठीक है नेक्स्ट उसके बाद इक्विटी इक्विटी के अंदर चूंकि एक्सट्रैक्ट है ना शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग्स वो हम नहीं लिख रहे बस जो रेलिवेंट चीज हमारे पास है वही लिख रहे हैं तो इक्विटी के अंदर क्या लिखेंगे जी रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका जी स्पेशलाइज्ड व्हीकल का कितना जी और इसकी तो आप लेजर बना भी लोगे तो ये इकतीस उन्नीस पे ये लेजर वजूद में आ रहा है पहली बार ऐसे ही है ना ओपनिंग ओपनिंग तो जीरो है तो आपने एंट्री की ऐसे डेबिट रीवेन सरप्लस क्रेडिट पांच से और इकतीस नंबर उन्नीस था यही क्लोजिंग में आ गए यही आ रहा है कोई ट्रांसफर हुई नहीं वो सही है नेक्स्ट अब एक पांच रह गया है इस बदतमीज को इधर लिख लो ठीक है यहां पे लिखोगे आप रीवेल्यूशन आप कहोगे दो दफ़ा आ रहा है भाई ये समझ तभी आएगा ना जब ये कॉन्सेप्ट दूंगा इसलिए फिलहाल इसको जस्ट लिख लो सोल्यूशन पूरा हो जाए मैं दिल तो कह रहा लिखू ही ना स्पेशलाइज व्हीकल कितना जी पांच का ठीक है ना तो इसको मैंने ऐसे करके डिब्बा लगा देना है ठीक है और इसको डिब्बा लगा के मैंने ये कह देना है जी ये पेंडिंग है ओके ये पेंडिंग है ओके और इसके साथ आप पूरी बात लिखेंगे के पेंडिंग है विल बी डिस्कस्ड आफ्टर एट टू टेन डेज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टॉपिक स्टेटमेंट इन इक्विटी लिखने का बहुत देर लग जाएगी तो एस ओ सी आई ई -E लिखोगे आप ठीक है ना एस ओ सी आई ई टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ठीक है नाउ दिस इज पेंडिंग यहां लिख देता हूं पेंडिंग यहां नहीं यहां लिख देता हूं ठीक है जी ये पेंडिंग कॉन्सेप्ट है ओके अच्छा जी नेक्स्ट स्पेसलाइज व्हीकल इज ओवर ठीक है अब अगला काम है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उसकी ग्रांट का ये ज्यादा आसान है वेयर हाउस में एक क्वेश्चन है तो पहले मैं वेयर हाउस करता हूं क्लास एंड की तरफ जा रही है तो कल ताकि दूसरे में मसला तो नहीं है करवाऊंगा तो वो फिर भी लेकिन कल वो बात रहती हो ना आज जो है मैं ये वेयर हाउस पहले करवा दूं ठीक है चलो जी वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन कराया ऑन यक्कम जनवरी अठारह प्रीवियसली वेयर हाउस वॉज इन यूज की होया जी की होया हांजी ये हुआ यह हुआ पहले था पीपीई अब बन गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपीई क्रेडिट उसके बाद ये आपको याद होगा मैंने कहा था जब ट्रांसफर करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं ना नीचे उसने अगली लाइन के अंदर दो तीन बातें लिखी हुई थी जिनमें क्या है गवर्नमेंट ग्रांट को हम डेफर लाइबिलिटी बनाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखते हैं और बाकी ऊपर बात हमने पढ़ ली थी ठीक है तो ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड आई एस फोर्टी कहना है मिस्टर आई एस ओला इसको आप पहले फेयर वैल्यू पर लाएंगे और फिर हमें देंगे इसका मतलब ये एंट्री ये हो रही है ना यकम जनवरी अठारह को यकम जनवरी 18 पर फेयर वैल्यू ऑफ वेयर हाउस डिफरेंट डेट पे दी हुई है वो कितनी है 104 यानी ये वाली एंट्री 104 से ही होनी है ये अब एक पे पहुंचेगा कैसे वर्किंग कैसे करें ये बात तो मैंने अभी करनी है पर ये जहन में रख लें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने डेबिट 104 से होना है अब ये आइए सोलह का काम है कि उसको कैसे 104 पे लेके आता है अपना रिवैल्यूशन मॉडल लगाकर लाएगा उसको ठीक है तो चलो जी फटाफट वर्किंग करते हैं फटाफट करते हैं फटाफट फटाफट वर्किंग वन के बाद वर्किंग टू आई है मार्केट में और ये मैंने इसलिए ऐसे लिख ली चलो डेट डाल ही देते हैं डेस्क्रिप्शन क्या नाम है इसका वाइट हाउस हाँ पीपीई में क्या चीज है ये वेयर हाउस इट हाउस नहीं उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस फिर प्रॉफिट एंड लॉस चलो वो तो होना कोई नहीं लेकिन चलो लिख लेते हैं फॉर्मेट तो पूरा कर लेना ओके okay जी अवेयर हाउस वॉज ऑन रेंट यकम जनवरी को ऑन यक़म जनवरी और रे टेंशन क्यों ले रहे हो कैरिंग वैल्यू ले लो ले लो भाई ले लो कैरिंग वैल्यू ले लो हम इतने परेशान थे यकम जनवरी अठारह पर उसने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है बुक वैल्यू कितनी लो जाओ गो एंड किल द वेव्स हमने कहा ठहरो ठहरो हमें ये ट्रांसफ़र करना है इस दिन पहले ज़रा आइए सोलह से रीवैल्यू करवाओ नहीं कहा उसका तो हमें तरीका आता है यकम जनवरी अठारह पर एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे वो है वन जीरो फोर और ट्वेंटी फोर का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा ठीक है लो अच्छा अब अब इस दिन क्या करना है हमने ट्रांसफर क्या करना है जी ट्रांसफर जरा देखना भाई जरा देखना जरा देखना ऐसे जरा देखना बस वर्किंग थ्री ये क्या ये क्या बनने लगा है कैसे पता लगा आपको वाजीवा लेजर भाई मैंने आपको कहा था अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो ना फेयर वैल्यू पर तो हमेशा लेजर बना लिया करना आसानियां ही आसानियां हो जाएंगी अब मुझे बताएं ये एंट्री मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा किससे होगी 104 से अब देखो 104 सौ पे पीपीई पहुंच गया यह देखो पीपीई है पीपीई मैंने ऊपर लिखा भी सीधा पीपीई कहां पे पहुंच चुका है 104 पे मैं इसको कह रहा हूं 104 से कर दो इसको क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कर दो डेबिट एंट्री क्या हो रही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपीई क्रेडिट तो यहां पे कैश नहीं यहां पे आएगा पीपीई और यहां पे आएगी यकम जनवरी अठारह की डेट यहां पे क्या बचा यहां पे कख नहीं बचा यहां पे कख नहीं बचा ये हमने क्या कर दिया ये इधर देखो इधर देखो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड लिखना है तो लिख लो ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसलिए बुक वैल्यू अब कितनी होगी इसकी इसी दिन ओके ये बात समझ आई है ये बात समझ आई है बच्चों ठीक है अब आगे तो काम आसान है आगे तो काम आसान है आगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, क्या करोगे? जो फेयर वैल्यू होगी उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लेड जर में क्लोजिंग लिख लोगे तो इकतीस दिसंबर अठारह का क्लोजिंग इस दिन की फेयर वैल्यू और इकतीस दिसंबर उन्नीस का क्लोजिंग इस दिन की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है 18 की छियानवे उन्नीस की 15 115 तो इधर देखो छियानवे और 115 लो सवाल खत्म एक चीज सिर्फ रह गई थी ना जिसकी समझ नहीं आ रही थी उसकी डिस्कशन कर लेता हूं मैं वही कर वही करने लगा हूं लेकिन देखो सवाल कैसे जल्दी जल्दी खत्म हुआ बताओ जी बताओ जी एट रुपीज इस तरफ आ गए ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिगर गई अब जो भी है एंट्री से काम चल जाना था लेकिन चलो सोच लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट तो ये तो फेयर वैल्यू लॉस है नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले क्लोजिंग को ओपनिंग तो बनवाना था ब्रॉड डाउन नाइनटी सिक्स अच्छा आप बताओ भाई नाइनटीन है बैलेंसिंग है प्रॉफिट एंड लॉस में जाना इनफ है इतनी बात लेकिन चलो सोच भी देते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट तो फेयर वैल्यू गेन अब ये हमारा सवाल पूरा हो गया ठीक है एक फिगर सिर्फ है मसला उसमें लेकिन देखो पीपीई में तो कुछ नहीं ना बचा ठीक है अब हम इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले वेयर हाउस को रेड कलर से लेकर चलते हैं अपने सवाल में तो मुझे बताओ ये कितना आसान था यार याद करो इतना आसान था इतना आसान था मैंने कहा था ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ये गेन है उसके बाद मैंने कहा था बैलेंस शीट के अंदर नजर आएगा छियानवे क्लोजिंग और एक सौ पंद्रह सवाल इज ओवर तो आसानियां सीखते हुए चीजें मुश्किल होती है बेटा एप्लीकेशन तो ऐसे तेजी तेजी से करना सीखेंगे ना हम ठीक है तो ये जी बता दें और यार चल जाए तेरी मेहरबानी बार बार आ जाता है जी फेयर वैल्यू लॉस है आठ का अठारह में और फेयर वैल्यू गेन है उन्नीस का उन्नीस में ठीक है तो फेयर वैल्यू हम यूं लिख लेते हैं फेयर वैल्यू गेन होगा तो पॉजिटिव और अगर लॉस होगा तो नेगेटिव 19 के साल में गेन है 19 का और 18 के साल में 8 का लॉस है ओके फिर यहां पर पीपीई नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाम है उसका वाइट हाउस जी 18 का क्लोजिंग छियानवे और 19 का 115 तो 115 और छियानवे इतना आसान इतना आसान था ये वर्किंग थ्री सिर्फ बनाई हमने ऐसे 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 ठीक है अब अगली बात ये चौबीस का सरप्लस भी रोज हुआ है भाई अब देखो इधर अठारह के साल में हुआ था ना अठारह के साल में ठीक है अठारह के साल में ये एक और मुसीबत इधर लिखनी पड़ेगी हमें ठीक है रिवन सरप्लस किसका वेयर हाउस का कितना है जी ले जी ये भी ना असल ने पेंडिंग करना है ठीक है ना बेटा मैं एक मिनट इक्विटी में लूंगा कैसे नहीं लेंगे इक्विटी में कैसे नहीं लेंगे जी मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये वाला ऐसे कर लेना ऐसे जी जी हाँ जी मुझे बताओ कि कितना अरोज हुआ ट्वेंटी फोर ये ट्वेंटी फोर का अरोज हुआ साल के पहले दिन ठीक है और यहां पर यहां पर पार्क भी हुआ साल के पहले दिन कितना जी 24. अब यहाँ पर मेरा और आई कैप का बल्कि मेरा नहीं मेरे चंद उस्तादों का भी जो यहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाते नजर आते हैं सबका हमारा ये मुश्तरक थोड़ा सा इस पर फैसला ये था कि देखो चौबीस ने इंक्रीमेंटल डेप्रीसीशन के तौर पर जाना होता है मुझे बताओ कि यह वेयर हाउस कितना डेपरीशिएट हुआ इकतीस नंबर अठारह पे बचाई नहीं जब बचाई नहीं तो इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो फिर इस मुए सरप्लस का क्या करें यह जहां है वहां है जहां है वहां है जब तक के असल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती जिस दिन असल में बिकेगी तो यह सारे 24 को उस दिन अर्निंग फेंक के रियालाइज कर लेंगे अभी इसका कुछ नहीं कर सकते आई कैप नहीं ना इसको अपने सोल्यूशन में वो अठारह साल जो जो भी रिमेनिंग लाइफ दी हुई थी ना उसको यूज करते हुए दोनों साल पे डेपसेट किया और क्लोजिंग डेट तक ये इक्विटी के अंदर उसको माइनस भी किया लेकिन मेरा अपना जी ख्याल भी यही है कि चौबीस चौबीस नजर आता रहेगा अनलेस के ये असल में बिक जाए ठीक है सही है जी ओके तो क्लास खत्म बैठ रहे बैठ रहे आप लोग सर ने कुछ नोट करना होगा ऐसे ही सर सर ने कहा नहीं आज नोट नहीं करना छुट्टी जल्दी करो अब इधर देखो, देखो ये देखो ये ओ में जो चौबीस है ये बस उस साल रोज हुआ लेकिन इसकी सारी डिस्कशन इंशाल्लाह हम करेंगे जब स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का टॉपिक आएगा ये को सात से आठ दिन में ठीक हो गया अच्छा अब सुन लें आखिरी बात अब जा तो आप रहे ही सर आ तो गए ही हैं तो सुन लें जाते जाते एक बात तो सुन लें यहां पर क्या होना है ये सबसे आसान था मैनुफैक्चरिंग प्लांट दो का आया है और गवर्नमेंट ग्रांट एक तो ये अवेलेबल फॉर यूज वाला आपको पता है जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज होगा डेप्शन उस दिन करनी है ना तो आने पर ना ही कमर्शियल प्रोडक्शन पर ठीक है ना सही है अब जिस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है प्लांट की उसी दिन से गवर्नमेंट ग्रांट चाहे बाद में आ रही है चाहे पर, ये ना ना हो एसिड खत्म हो जाए और गवर्नमेंट ग्रांट अभी भी पड़ी हुई हो ठीक है ना तो बिल्कुल सेम फ्रैक्शन लगाना है आपने जैसे आपने जैसे लगाना है वैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट पे ठीक है इसके साथ ही आपने वो नोट का सवाल सामने रख के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्कलोजर पढ़ के आने हैं मैं कल खुद भी पढ़ाऊंगा पिक्चर क्या करनी है यार लेके क्या करनी है पिक्चर लेके ठीक है जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज वालेकुम